आप भी बनाइए पके आम का, इतना टेस्टी और चटपटा नाश्ता, यकीन मानिए इतना पसंद आएगा आपको कि आप बार बार इस तरीके से बनाकर खाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों ज़्यादा पका ना ज़्यादा कच्चा, डम्भक टाइप काम का मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाकर आप लोग को दिखाऊँगी, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक आम लिया है, तो देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पका हुआ ना ज़्यादा कच्चा। अब इसको मैंने पहले से ही धोकर पोंछ ली हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर वहाँ पर जहाँ से ये दूध निकलता है वहीं से मैं इसको थोड़ा ज़्यादा किनारे से काट ली हूँ, और उसको मैंने अच्छे से फिर से धो लिया है। उसके बाद हम इसको छील लेंगे, ज़्यादा पका हुआ नहीं लेंगे, नहीं तो फिर छिलाएगा नहीं। तो हम इसको अच्छी तरीके से छील लेते हैं, हमको बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने आम को छील लिया है, देख सकते हैं, इसको हम छोटे छोटे पीस में काट कर लेंगे। ये हमारा आम में गुट्ठी नहीं था, इसमें बीज था, तो मैंने इसको इस तरीके से इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। आप भी ले सकते हैं, आपका जैसा मन हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ काली मिर्ची, चीनी, जीरा और नमक, धनिया, सरसों, काला राय और ये चार सूखन मिर्ची। आप अगर इसे स्टोर करके भी रखना चाहते हैं तो आप इसे सूखन मिर्ची डालिएगा। तो हमारा मिर्ची ज़्यादा तीखा नहीं है, इसीलिए मैं इसमें चार मिर्ची डाली हूँ, और अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा या फिर कम तीखा पसंद है। तो मैंने इसको इस तरीके से सिल्ला लोढ़ी में अच्छे से धो के इसको मैं पोंछ ली थी, उसके बाद मैं इसमें पीसी हूँ, नहीं तो फिर हमारा ये सड़ जाता है इसमें। तो हमारा ये पिसा हुआ हो गया है, और इधर हमारा आम है। तो मैं इसको कटोरे में निकाल ली हूँ, और उसके बाद देख सकते हैं इधर मैंने गोल कटोरी ली हूँ, ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो सके, उसमें गिर जाता फिर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो बच गया है, इसको हम बाद में आम में काट कर भी लगा कर खा सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच करीब सरसों का तेल, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से ढककर, ताकि हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है आम, इस तरीके से देख सकते हैं कितना सुंदर देखने में लग रहा है, उतना ही टेस्टी खाने में लगेगा। इस तरीके से आप इसे साफ करें और इसे आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। एक बार बनाइएगा तो यकीन मानिए आप बार बार हर गर्मी में इस तरीके से खाइएगा। तो आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए, और कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में।